हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे मिलेगी छोटी वाली मछली। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ लेने छोटी वाली मछली, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और फिलहाल इस समय मैं हूँ कोलकाता और काफ़ी सारे लोगों से बात करने का मुझे पता चला है कि ये मेरिटार के नज़दीक मिलेगी, जहाँ पर आपको फ्रेश और ज़िंदा छोटी वाली मछली मिलती है, जो कि बनाने में काफ़ी टेस्टी होती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ पे मिलती है छोटी वाली मछली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए ब्लॉग है। तो फिलहाल मैं हूँ इस समय मेरिटार वाले रोड पर। और ये कौन सी जगह है राज? मेरिटार। फिलहाल मैं मेरिटार में हूँ और ये है पानी टंकी यहाँ की। एक बार पानी टंकी दिखाता हूँ, राजपुर पानी टंकी। मछली मिलती कहाँ मिलती है छोटकी मछली कहाँ मिलती है? कौन सी जगह है ये? रामपुर। यहाँ पे मतलब छोटी वाली मछली जल्दी मिलती नहीं है? छोटी वाली मछली जल्दी मिलती नहीं है? नहीं मिलती है। कहाँ चलती है मछली छोटी वाली? छोटी वाली मछली कहाँ चलती है? छोटी वाली मछली सुरहा ताल में। सुरहा ताल में। तो अभी जो लेकर आएंगे ताज़ा होगी? काफ़ी दिन पुरानी होगी? कितने दिन पुरानी होगी? पुराने की ताज़ा हो। अच्छा, लेकिन अभी फ्रिज में पुराने। आप सबको ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, हम सब लोग। गजब 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 भाई, गजब गजब। यानी फसलों की? नहीं, फसलों के लिए नहीं ले रहे हैं, मछली के लिए। नहीं, मछली का चलिए सुरा में। सुरा में? हाँ, यही सुरा है। सुरा जाने के लिए कैसे? इधर से जाना पड़ेगा? यहाँ से भी चलेंगे और वहाँ से भी जाएंगे। ज्यादा बढ़िया कहाँ से रहेगा? ज्यादा बढ़िया यहाँ से। यहाँ का? अच्छा, छोटी छोटी मछली यहाँ मिलेगा। मछली इस बगीचे में? जो मछलियाँ फंस जाती है तो उसको छोटा हट निकालना पड़ता है। अच्छा, कितने साल से आप मछली मार रहे हैं? 15-20 बरस हो गया जब, यही कारोबार है हम लोग। ये तो इसलिए जाला रात को डालते हैं या सुबह डालते हैं? सुबह डालते हैं। सुबह शाम को? शाम को डालते हैं। शाम को कितने बजे निकालते? 4-3। कितना समय लगता है इसको जाले को डालने में? जाल को डालने में 1-2 घंटा जितना जाल रहेगा उतने समय लगेगा। इसमें अजुराने सजुराने में टाइम लगता है। अच्छा, जो मछलियाँ फंसती हैं सारी की सारी मर जाती हैं कि जिंदा भी रहती हैं? जिंदा भी रहती है, तो कुछ मर जाती है नहीं? हाँ। ना समय भी गुलाया। है जा तो गुलाया बा, है जा देख ले। सो कौन सी जगह है? तो फिलहाल मैं आया हूँ सुरहा ताल में और यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ जो कि अवेलेबल है। सुबह मॉर्निंग में टाइम पे जो मछुआरे हैं सुबह रात के टाइम जाला डालते हैं और सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ मिल जाती हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया और ये भाई साहब किस तरीके से जाल में से मछलियाँ निकाल रहे हैं, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी समय से अपना ये प्रोफेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पर इसमें कौन कौन सी मछली है? गरई कौन सी है? अच्छा, ये गरई है। है ये भी कब की इसका कीमत इतना बनारस में इसका कीमत इसको कीमत है। अच्छा, किसका? इस मछली में
आपको कुछ बोलना है क्या? सो काफी सारे लोगों ने मुझे घेर रखा है, देखिए गांव के लोग। चल पानी खींचा वही, उसी में 2 रुपया कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अच्छा। बस उसी से लोगों का धंधा पानी चलता है। तो मतलब यहाँ पे जो अगर खरीदार गांव के ही लोग होते हैं, गांव ही के लोग, गांव के लोग हो जाता है, तो गांव के लोग होते हैं, इतना अच्छा पैसा नहीं पाता होगा। अभी लोग अपने मेहनत करते हैं। अच्छा, जो मिलता है अपन चमक तेल चलाते हैं, और यही बात है। चलिए ठीक है, और फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ सुधरदार, और जो कि बलिया में काफ़ी फेमस प्लेस है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं किस तरीके का सुधरदार है और किस तरीके से यहाँ लोग मछली को मारते हैं, यानी मछली को पकड़ते हैं। हालांकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आने के बाद मिली, काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर आने के बाद। और यह आ गया सुधरदार। अच्छा, आपका आपका गेहूँ है? अच्छा पानी सर गंदा है या फिर सूख गया है पानी? अच्छा अच्छा ये है नी। यहाँ पे चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा है। ये लोग जो मछली पकड़ के लेकर आते हैं, तो ये डेली मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। अच्छा, रोज उसी का तरकारी बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मछली पकड़ा सकी काका यही के तरकारी हमने के होला हो। चलो ठीक है, तो यहाँ मछली पकड़ने के लिए किसी की परमिशन वगैरह या फिर नहीं? कोई परमिशन नहीं, परमिशन मतलब अपना आओ जिसको मारना है। हाँ, जिसको मारना है हमारी। आप यहाँ से जाएंगे बसंतपुर पार्क बना हुआ। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ, यही वहाँ तक फैला हुआ है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इस वीडियो के पीछे। सुबह से निकले हुए हैं, एक बार ये देखिए यहाँ का नज़ारा, गेहूँ गेहूँ के खेत का, नहीं गेहूँ गेहूँ का ही। आपका नाम? स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, ठीक, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब खरीदने का वक्त आ गया छोटी वाली मछली, जो इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प करी इस वीडियो को शूट कराने में। आई हार्टली थैंकफुल टू देम कि इन्होंने मेरी हेल्प करी। और चलिए फिर आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो रेवा मछली यानी छोटी वाली मछली थी नहीं मिली। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और काफ़ी सारे लोगों से बात करने का पता चला कि जो मछली की जो मार्केट लगेगी वो 9 बजे से स्टार्ट होती है और 11 बजे तक चलती है। तो फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ घर वापस, और दोबारा आऊँगा, देखता हूँ अगर मिलती है तो लेकर जाऊँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जो वहाँ के थे राजपूत के उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।